सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड, आज मैं आ चुका हूँ सुंदर नर्सरी। जो यहाँ की अगर टिकट प्राइस की बात करें तो वो है 50 रुपीज़, और ये रात को 10 बजे तक ओपन रहती है। और यहाँ पे कपल्स के लिए काफ़ी ही बेस्ट प्लेस है, और फैमिली के लिए भी। तो आप यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए, और आइए इस ब्लॉग में हम जानते हैं कि इसमें और क्या खासियत है। तो ब्लॉग के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ की अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो है जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेडियम। और तो फिर जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टअप से ही आपको जो है फ्लावर्स की जो कतार है वो अलग अलग फ्लावर्स की जो कतार वाइज कतार लगाई गई है, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो इस देख सकते हैं फ्लावर्स कितने ही प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। और ऐसी मल्टी कलर फ्लावर्स है, और मल्टीपल अलग अलग जो फ्लावर्स की जो वराइटीज़ होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ में आप यहाँ से देख सकते हैं लाइटिंग की काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे आप फोटोशूट वीडियो शूट के लिए भी आप आ सकते हो। तो यहाँ पे नाइट का जो इवनिंग आफ्टर अराउंड आप 6 बजे या फिर 5 बजे के बाद जाते हैं, जब जाके यहाँ की लाइटिंग जो है ऑन होती है, और वहाँ के जो यहाँ से जो देखने को मिलते हैं वो काफ़ी बेहद ही खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में इसके अलावा इससे और अच्छा कोई और भी पार्क होगा, जिससे अगर आप नेचर से प्यार करते हैं तो आप यहाँ पर इस वैलेंटाइन डे ज़रूर विजिट कीजिए, या फिर आप फैमिली मेम्बर के साथ भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अलग कतार वाइज यहाँ पर फ्लावर्स है जो देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इन्हें टच करना मना है, यहाँ पे लिखा हो अगर आप इन्हें टच करते हो तो यहाँ पे जो है फाइन आपको लग जाएगा, तो इसको टच बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने लिखा हुआ था कि ये जो पार्क है इसमें रात को ही मजा आता है, बिकॉज यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी खूबसूरत होता है। सो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए लोकेशन पे।